हेलो हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्ते। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ये वाला वीडियो देख के आप समझ ही गए होंगे कि कितना ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है आज का व्लॉग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो हम आके पहुंच गए हैं हैदराबाद का शिल्पारामम में, जो कि एक ट्राइबल कल्चर बेस्ड प्लेस है, जहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिक चीज़ पुराने ज़माने का देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही सारे घर के सजाने वाले चीज़ें एंड कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे तो उसको लेकर अपने घर को एक नया लुक देने के लिए चीज़ें मौजूद है। तो आप इसमें से कुछ भी चाहिए तो ले सकते हो। तो बहुत ही एंटिक पीसेस है यहाँ पे, लाइक जो कि लाइक अगर आप आपके घर को रॉयल एंड एंटिक लुक देना चाहते तो यू कैन गेट इनटू दिस। ये वॉल क्लॉक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, ऐसे वाले झूले देख के मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी ले लूँ, बट बजट उतना नहीं था तो हम चले गए। वहाँ पे कल्चरल फेस्ट हो रहा था तो हम कल्चरल फेस्ट देखने के लिए चले गए। हम आ गए हैं अभी बोटिंग के तरफ। यहाँ पे जो मौसम था और जो ठंडी हवा चल रही थी उसके साथ बोटिंग का मज़ा कुछ अलग ही लग रहा था, तो मैंने स्पेशली बहुत इंजॉय किया। एंड ये आप देख सकते हो कि हमारे जो पुराने ज़माने में कैसे लोग रहते थे एंड किस तरह से हमारा जो कल्चर है लाइक वो किस तरह से था, एंड ट्राइबल्स का जो लाइफस्टाइल रहता है वो किस तरह से खुद का लाइक लाइफ उस टाइम पे एंजॉय करते थे एंड सारी चीज़ें किस तरह से चलता था जब साइंस इतना इम्प्रोवाइज नहीं हुआ था एंड लाइक टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा लाइक इनोवेशंस भी नहीं था, टेक्नोलॉजी भी नहीं था, फिर भी लोग अपना ज़िंदगी के सारे काम करते थे तो विदाउट एनीथिंग। तो वो सब देख के ना खुद ही खुद में एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा था, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तब भी लोग इतना एंजॉय करते थे एंड दिन ब दिन हमारी लाइफ और भी इजी हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, बट ये लोग उसके बिना भी कितना खुश रहते थे। तो इंडिया का जो कल्चर है दैट इज़ इनक्रेडिबल एंड मुझे खुद ही देख के बहुत अच्छा लग रहा था। एंड बीइंग अ इंडियन आई एम सो प्राउड ऑफ, लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड हो रहा है कि मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर विज़िट करना ताकि आप लोगों को भी इंडियन कल्चर के बारे में पता चले। तो ये हाथी के ऊपर पहले के ज़माने में बैठ के जाते थे एंड बैलगाड़ी देख के तो जो गांव का नज़ारा है वो लाइक वो जो मेमोरीज़ ताज़ा हो गए कि गाँव में लोग ऐसे लाइक जाते थे पहले के ज़माने में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड दोस्त लाइक आर्किटेक्चर्स एंड ये जो वाटरफॉल था जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, लाइक ये हिंदुइज़्म का कल्चर है जो कि जहाँ पे कृष्णा एंड गोपियों का एक छोटा सा मतलब उन्होंने सीन क्रिएट किया था, लाइक जो आप कृष्ण सीरियल में भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे पूरे इंडियन कल्चर को उन्होंने पूरा लाइक पत्थरों से पूरा अच्छे से आर्ट बना हुआ है, तो लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख के। एंड मैंने हर एक प्लेस पे फ़ोटो खींचना नहीं बंद किया, मैं बहुत सारे फ़ोटो खींच ली हूँ, इतना ज़्यादा प्यारा प्लेस था। इधर आप देख सकते हो कि ये जो वाटरफॉल है उसमें लाइक राधा कृष्णा साथ में, एंड ये छोटा सा ब्रिज इसके उस तरफ आपको ये वाटरफॉल देखने के लिए मिलेगा। एंड राधा कृष्ण जी यहाँ पे झूले पे झूल रहे हैं और ये जो आइडल बना हुआ था, ये जो मूर्ति था इतना ज़्यादा खूबसूरती से बनाया गया था बिकॉज ऑफ द लाइटिंग्स, लाइटिंग इतने अच्छे से उन्होंने किया हुआ था कि लाइक लाइटिंग के वजह से वो मूर्तियों में और भी चार चांद लग जा रहे थे।
तो नज़ारा तो देखने के लायक था। तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट करना, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लाइक ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर आना ताकि आपका भी एक अच्छा से मेमोरी बने जिस तरह से मेरे बना था। तो ये ना वाटरफॉल को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस पे जाके हाथ मुँह धो लूँ, बट इस पे हाथ मुँह धोना अलाउ नहीं था, तो मैं झूला झूलने आ गई। झूला झूल के मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड मज़ा भी आया। तो उसमें ना सारे में लिखा हुआ था कि जो 12 इयर्स से ज़्यादा एज वाले नहीं जा सकते, जबकि मैं अडल्ट हो गई हूँ, बट स्टिल मैंने सारे गेम्स में जाके खेला एंड बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। लाइफ में ऐसे छोटी छोटी खुशियों से ही तो लाइफ का लाइक अहमियत बढ़ जाता है। लाइफ